नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन लाइफ। इस रिपोर्ट में बात करेंगे राखी सावंत के बारे में। आपको बता दें कि राखी सावंत एक बार फिर से कंट्रोवर्सी में आई जब उन्होंने आदिल खान दुर्रानी के साथ शादी की। आदिल खान दुर्रानी के साथ भी उनकी शादी नहीं चली और आदिल पर गंभीर आरोप लगाते हुए राखी ने केस भी दर्ज करवाया। फिलहाल आदिल खान दुर्रानी जेल के सलाखों के पीछे है और तमाम केस की जाँच भी की जा रही है। वहीं आदिल खान दुर्रानी से जुड़े अपनी जिंदगी के किस्सों के ऊपर राखी सावंत का एक गाना भी रिलीज किया गया। इस गाने का नाम झूठा है। झूठा अपने रिलीज होने के बाद ही मिलियंस व्यूवर्स को पार कर चुका है। झूठा काफी ज्यादा हिट भी साबित हुआ। लोगों का कहना है कि इस कॉन्ट्रोवर्सी के बाद ही राखी ने जानबूझ करके इस गाने को मनाया, या फिर यूं कहें कि राखी ने इस गाने को पब्लिसिटी दिलाने के लिए जानबूझ करके आदिल खान दुर्रानी पर केस दर्ज करवाया। लोग इस तरीके की बातें कर रहे हैं तो वहीं ये गाना सुपर डुपर हिट भी साबित हुआ है। वहीं आपको बता दें कि एक बार फिर से राखी सावंत के लिए एक गुड न्यूज सामने आई है। क्या है वो गुड न्यूज, देखिए इस रिपोर्ट में। दो लड़कियां जो हम है, एक ईरानी लड़की जो मैं नाम नहीं लेना चाहूंगी जो मैसूर में है, वो हिम्मत वाली है, मैं उसको सैल्यूट करूंगी। वो सामने आई, उसने ये भी नहीं सोचा कि मैं कौन कहाँ से आई हूँ, कौन से वीज़ा पर आई हूँ, लेकिन उसके साथ बहुत नाइंसाफ़ी हुई। मैं तो बीवी हूँ, मेरे साथ तो हुई है, इसीलिए तमाम उन लड़कियों की तरफ से मैंने ये केस लड़ा है। हाँ, मैं अपने आप को कहती हूँ कि इस केस में मैं पीड़िता भी हूँ और मैं खुद की वकील भी हूँ, एडवोकेट भी हूँ। मैंने ये केस अपना खुद लड़ा है। मुझे लोगों बहुत सारे कमेंट आए, अरे वो तुम्हारा हस्बैंड है, तुम्हें क्या जरूरत, अरे तुम्हारे पे नहीं बिता है ना, मेरे पे बिता है। ये तुम्हारी बेटी के साथ हुआ होता तो तुम बोलते क्या, तुम्हारी बहन के साथ हुआ हो तो बोलता, खुदा ना करे मेरे साथ हुआ है, मैंने झेला है, खुदा ना करे तुम्हारी बहन बेटी के साथ हो, कभी ना हो। इसीलिए मैं मीडिया के सामने इसका असली चेहरा बताने आई कि किसी भी लड़की के साथ ये ना हो। ऐसे ऐसे इन्होंने मुझे, मेरे हस्बैंड वाइफ के ऐसे वीडियोस बनाए हैं, इन्होंने मुझे इतना ब्लैकमेल किया इतने एक साल से, मैं बगैर खौफ के बगैर डरे बाहर आई। जो तुमको वीडियो वायरल करना कर दो, मैं नहीं डरती, जो होगा देखा जाएगा। जैसे तुम वीडियो वायरल करोगे, इस दुनिया में कानून तो है ना, पुलिस तो है ना कहीं एक होप है। वो कानून पुलिस रही बाजू में, तुम्हें मेरे फैंस ही नहीं छोड़ेंगे, देश की जनता तुम्हें नहीं छोड़ेगी। कर दो वीडियो वायरल मेरे, मैं नहीं डरती तुमसे। हाँ, तुमने उन लड़कियों को भी धमकियाँ दी है, सारी वीडियो वायरल कर दोगे जो तुम बनाते हो। मैसूर में गई थी, ईरानी लड़की के वीडियोस में देख के तो मेरे रोंगटे गुजबम आ गए। मेरे दिल में ना एक जगह पे प्यार था कि कहीं ना कहीं मैं माफ़ कर दूंगी करके, चलो ये बंदे को, मेरे बंदे को। लेकिन उस लड़की का वीडियो देखा, उस लड़की की चोटें देखी ना, उसके साथ उस ईरानी लड़की के साथ अत्याचार देखा 5 साल का, दिल मेरा मेरे जिस्म में से टूट के नीचे गिर गया। जो मेरे साथ तो अत्याचार हुआ ही था, उस लड़की के साथ हुआ, ओ माय गॉड। मैंने बस रोज नमाज में खुदा को मैं यही कहती हूँ, हम तो हमारे दिल से कैसे माफ करें, बताइए ना खुदा। हमेशा आपके पवित्र किताबों में लिखा है कि अगले बंदे को माफ करो, कर देंगे। सिर्फ गलती की होती है ना, कर देंगे, लेकिन जिंदगियां बर्बाद करी है। मैं कोशिश कर रही हूं फिर से उठने की, जीने की, मैं इतनी स्ट्रांग लड़की, उन लड़कियों का क्या हो रहा होगा, आप सोच सकते हैं। किसी की बहन है, वो किसी की बेटी है, वो इज्जतदार खानदान वाले लड़के खानदान बाहर नहीं आता मीडिया के सामने बोलने के लिए, उन सब की तरफ से मैं आई हूं। इस वीडियो में आपने देखा कि राखी सावंत को एक वेब फिल्म ऑफर हुई है, इसके लिए वो लंदन भी जा रही हैं। अब आप कमेंट करके हमें बताइए कि राखी सावंत का ये गाना आपको कैसा लगा और अब राखी सावंत की जिंदगी में हो रहे इस बदलाव पर आप क्या कहना चाहेंगे।